खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रविवार को घुमारवी चुनाव क्षेत्र के तहत कुठेड़ा हरलोग वायाताजली डुगली संपर्क पर स्थित डुगली नाले पर हरलोग क्षेत्र को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना तथा अधिकारियों को उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सपना हर गाँव को सड़क से जोड़ना है। लोग सड़कों के निर्माण के लिए स्वेच्छा से जमीन दान करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं तथा लोगों के कल्याण के लिए कई नई योजनाओं को शुरू किया है जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। सब लोग विभिन्न कार्यों में व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है और ऐसी स्थितियों में भी अगर हमको जो 10-20 किलोमीटर का फासला है जो घूम कर जाना पड़ता है और वैसे अगर उसका रास्ता मिल जाए तो 2-3 किलोमीटर में ही बात बन जाए, तो ये आज के समय की पुकार थी। आप सबने मिलकर इस काम को किया और एक इस गांव के विकास की ही नहीं, ये केवल इस गांव के विकास की बात नहीं है, इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होगा जो आपने यहाँ आज इसका हल किया, इस समस्या को आपने सुलझाया। ये पूरे क्षेत्र के लिए, इस पूरी धार के क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत इस सड़क के बनने से सबको मिलेगी। और बार बार जब हमारे सामने बात आती थी तो हमारे मन में भी ये तड़प होती थी कि किसी न किसी तरीके से, कई लोगों से हमने व्यक्तिगत बातचीत भी की जिसका योगदान हो सकता था। और चलते चलते आप लोगों ने मिलकर इस काम को किया। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।